नमस्कार, मौसम पूर्वानुमान 13 मई 2021 कैसा रहेगा मौसम, मौसम विभाग ने ताज़ा बुलेटिन जारी किया है। नमस्कार दोस्तों, रोहतास बुक्स का खालसा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, चलिए बता देते हैं देश भर में बनी मौसमी सिस्टम के बारे में। दक्षिणी पूर्वी अरब सागर व चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, इससे प्रभाव से 14 मई की सुबह तक एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ये 16 मई के आसपास एक चक्रवात बन सकता है। पश्चिम विक्षोभ अफगानिस्तान और उससे सटे उत्तरी पाकिस्तान के उत्तरी भागों में है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम राजस्थान के आसपास के हिस्सों पर है। इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में एक निम्न दबाव की रेखा उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से होते हुए असम के पश्चिम भागों तक जा रही है। उत्तर दक्षिणी निम्न दबाव की रेखा दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिणी केरल तक मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक से होते हुए गुजर रही है। कोमोरिन क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अब जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के पूर्वी भागों में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी भी बारिश हुई तथा तूफानी हवाओं भी चली, जहां बिजली गिरने की घटनाएं भी देखी गई है। केरल और लक्षद्वीप पर बारिश से भारी बारिश और गर्ज के साथ मध्यम से मध्यम बौछारें पड़ी। तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत और झारखंड में पूर्व के कुछ हिस्सों में उत्तर प्रदेश की तलहटी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा भी हुई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिम हिमालय के हिस्सों में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बारिश हुई तथा एक दो स्थानों पर तेज हवाएं भी चली। अब जान लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या है। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश और गरज चमक का अनुमान है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, पूर्वी बिहार, उड़ीसा और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश की तलहटी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 12 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी तथा गर्ज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय के बाकी हिस्सों में, अंडमान और निकोबार द्वीप में, आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का मौसम पूर्वानुमान। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।